नमस्ते, मैं विलास भोंडे। मेरी YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आपको यदि अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को भी लाइक करें। आज के वीडियो में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो आखिरी उत्सव है, छठा उत्सव मकर संक्रांति, उसके बारे में थोड़ी सी बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। भगवान सूर्य नारायण का मकर राशि में प्रवेश, उसको हम मकर संक्रांति कहते हैं, उसको उत्तरायण भी कहते हैं। सूर्य उत्तर की दिशा तरफ जाता है, उत्तर की दिशा में देव रहते हैं ऐसा हम मानते हैं, तो इसलिए हमारा मनुष्यत्व की ओर से देवत्व की ओर प्रयाण, ऐसा भी इस उत्सव का महत्व हो सकता है। उत्तरायण से, मकर संक्रांति से जो दिन होता है वो बड़ा होने लगता है, प्रकाश बढ़ रहा है, सूरज बढ़ रहा है। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। अंधकार में से प्रकाश की ओर जाने का अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रयास, तेमज उसी प्रकार से हमारे समाज और देश के जीवन में भी इस प्रकार का प्रण, ये मकर संक्रांति का महत्व है, उसका हार्द है। ठंड की वजह से जो पूरी सृष्टि सिकुड़ गई है वो अब नवपल्लवित होने की शुरुआत होती है। निराशा में से हम आशा की ओर जा रहे हैं, तो इस दिवस को, इस पर्व को इसलिए हम मनाते हैं कि इस प्रकार के सारे भाव जो है वो हमारे जीवन में अंकित हो और हमारा प्रयास, हमारी प्रगति उस प्रकार से हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो 6 उत्सव हैं, उन सभी के पीछे एक कोई विशेष अर्थ है। हर एक उत्सव का एक एक अलग अलग अर्थ है, आप सब लोग तो जानते ही हैं कि 1925 में नागपुर में संघ की स्थापना हुई थी। हिंदू राष्ट्र का निर्माण यही ध्येय था। 1947 में स्वातंत्र मिला, परंतु सचमुच में हम स्वतंत्र हुए क्या? हमें स्वराज्य मिला क्या? वो स्वराज्य में से सुराज्य हुआ क्या? नहीं। क्यों? उसके जो कारण है उसके ऊपर सोचना ये बहुत आवश्यक है। अभी भी हमारा हिंदू समाज जो है वो नैराश्य का अनुभव कर रहा है, उसके ऊपर आज भी सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक सभी तरह से आक्रमण शुरू है, चल रहे हैं। जो हिंदू संस्कृति जो है वो पूरे विश्व को मार्गदर्शन दे सकती है, लेकिन वो भी अभी भी सुसुप्तावस्था में है। विश्व हमारी ओर देख रहा है, आशा की नज़र से देख रहा है, और उस समय हम जो है वो पश्चिम का अंधानुकरण करने में से ऊपर नहीं आ रहे। पश्चिम का मूढ़ीवाद माने कैपिटलिज्म, समाजवाद, साम्यवाद, कम्युनिज्म, ये सारे अलग अलग प्रकार के वाद जो है वो सब की निष्फलता अब विश्व देख चुका है। और इसीलिए हिंदू जीवन पद्धति में से ही पूरे विश्व की सभी समस्याओं का उत्तर ये मिलने वाला है, ऐसा सभी को लग रहा है।
और उस समय हम जो है वो प्रांतवाद, भाषावाद, जातिवाद, लघुमती तुष्टिकरण, आतंकवाद, भौतिकवादी जीवन और विचारधारा, उसी में हम पड़े रहे, उसी में से बाहर नहीं निकल रहे। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण से लेकर चाणक्य, चंद्रगुप्त और राणा प्रताप, शिवाजी, स्वामी विवेकानंद, ऐसे सारे आदर्श हमारे जो है वो कहाँ गए? वो आदर्श क्या किताबी कीड़े रह गए? वो उसमें से कहीं कुछ हम सीख नहीं रहे? हमारे इतने सालों का एक संक्रमण काल जिसको कहेंगे हम, वो पूरा होकर के फिर से उषक काल कब आएगा? वैयक्तिक प्रगति के जो पथ पर हम सब लोग अग्रसर हुए हैं उसमें दो राय नहीं है, लेकिन हम एक समाज की तरह कब जागरूक होंगे? और एक समाज जीवन की जो प्रगति है, हमारे देश की जो उन्नति है, वो कब हमें मिलेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये सब क्यों नहीं हो रहा है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यही सोचा, परम पूजनीय डॉक्टर जी जिन्होंने संघ की स्थापना की, उन्होंने बार बार यही सोचा कि हमारा इतना बड़ा हिंदू समाज, विशाल हिंदू समाज, जिसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी हम क्यों पिछड़े हुए हैं? हम क्यों गुलाम हो गए इतने साल? हम सब लोग जानते हैं कि मुगल आए, बाद में अंग्रेज आए, उस समय उनसे तो हमारी लोकसंख्या कितनी बड़ी थी, आबादी कितनी ज़्यादा थी। यदि हमने तय किया होता तो उसी समय उनको खदेड़ देते, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? हिंदू समाज, हिंदू के नाते जो संगठन होना चाहिए वो नहीं हुआ। एक राजा के ऊपर आक्रमण होता है, परकीय आक्रमण होता है, तो उसको बचाने के लिए, उसको सहयोग देने के लिए दूसरे राजा नहीं गए। उस राजा की ये चिंता है तो वो अपनी चिंता के हिसाब से वो जो कुछ भी करना है वो करेगा। अरे लेकिन यही आक्रमण कल हमारे ऊपर भी आएगा, ये हम सोचना भूल गए। एक कहीं मैंने पढ़ा था, कितना सच है मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसका भाव सच है कि अंग्रेज जब आए कलकत्ता में, युद्ध हुआ, प्लासी की लड़ाई जिसको कहते हैं वो, और वो जीत करके वो जब जा रहे थे, उन्होंने उसकी एक शोभा यात्रा जैसे निकाला, तो उनका एक उस समय का कोई अधिकारी था, उसने अपनी डायरी में लिखा है कि हम हमारी जो शोभा यात्रा निकाले तो वो देखने के लिए यहाँ के सारे लोग आजू बाजू में खड़े थे, और कितने सारे, हजारों की संख्या में वो लोग खड़े थे, और हम शोभा यात्रा, विजय की यात्रा लेकर निकल रहे थे। तो मेरे मन में एक विचार आया कि यदि ये लोग इसी समय हमारे ऊपर आक्रमण कर देते तो हमें वहाँ से भाग खड़ा होना पड़ता था, लेकिन हमारे जो उस समय के लोग थे वो तो उनका उत्सव मनाने में जुट गए, देख रहे थे। तो ये जो हमारी सामाजिक मानसिकता है उसमें से हम बाहर कैसे निकलेंगे, कब निकलेंगे? उसी के लिए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना एक उद्देश्य लेकर के एक कार्य कर रहा है पिछले 90-95 साल से, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, एक एक व्यक्ति से मिलकर के समाज बनता है, और एक व्यक्ति यदि अच्छा होता है तो समाज में और भी कितने सारे व्यक्ति उसको देख करके अच्छे होते रहते हैं, और वही काम हम कर रहे हैं दैनंदिन शाखा में, वही तो होता है। बचपन से एक शिशु से लेकर जब वो प्रौढ़ तक जाता है तो उसके पूरे जीवन में
यही संस्कार ठूस ठूस कर भरे पड़े होते हैं। हर एक व्यक्ति का निर्माण होता है और व्यक्ति व्यक्ति मिलकर के समष्टि तक जाकर, और वो समष्टि का निर्माण होता है, समाज का निर्माण होता है। जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए सोचे, देश के लिए सोचे, जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, कि नेशन फर्स्ट, देश पहला, बाकी सारी चीज़ें बाद में, तो ये भाव किस प्रकार से हमारे में जागृत होगा? ये जब तक जागृत नहीं होता है तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप सब लोगों को मालूम है कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय और उसके बाद थोड़ा कितने सारे देश स्वतंत्र हुए। जर्मनी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में एकदम विनाश उस वहाँ पर हो गया था जर्मनी का, वो जर्मनी आज कितनी प्रगति कर रहा है। जापान के ऊपर जब अणुबॉम्ब गिराया गया, वो जापान आज कहाँ पर है, क्यों और कैसे? 1948 में इज़राइल स्वतंत्र हुआ, आज उसकी परिस्थिति क्या है? ये सारे लोग हमें हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, सहयोग करने के लिए बैठे हैं, और हम अभी भी पिछले 5 साल तक तो यही था, हमारा भीख का कटोरा लेकर के पूरा विश्व हम घूमते थे। हमारे नवयुवक परदेश में जाकर के अपनी बुद्धि प्रतिभा से कितनी सारी प्रगति कर रहे हैं और कितना सारा योगदान उनका वहाँ पर रहा है, तो वही काम हम हमारे यहाँ क्यों नहीं कर सकते? ये तो हमें सोचना है ना, हम नहीं सोच रहे। यही करने के लिए संघ कटिबद्ध है। ये संक्रमण काल जो पूरा हो करके, और फिर से पहले मैंने बताया उषक काल कब होगा, तो जब हम सब लोग इस प्रकार का विचार लेकर के आगे आएंगे, संगठित होकर के काम करेंगे। हम हमारा संगठन का बल जो है, शक्ति जो है, ताकत जो है, वो तभी विश्व को दिखा पाएंगे ना। हम जागरूक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, और उसके लिए राष्ट्रहित प्रथम। संघ के अंदर हम कहते हैं ना, मैं नहीं तू ही, हमेशा मैं से पहले तू। या तो मुझे, मैं जब छोटा था उसके बाद में, मैंने परम पूज्य गुरु जी की मृत्यु हुई उसके बाद में उनका एक फोटो सभी जगह पे संघ की ओर से पब्लिश हुआ था, प्रकाशित हुआ था, जिसके अंदर परम पूज्य गुरु जी यज्ञ के सामने आहुति देने बैठे हैं और उसके नीचे लिखा है, राष्ट्राय स्वाहा, राष्ट्राय इदं न मम। ये पूरा जीवन जो है राष्ट्र के लिए अर्पित है, ये मेरे लिए कुछ नहीं है। ये जो भाव है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, ये अपने गीत का जो भाव है, ये भाव जब तक हम स्वीकार नहीं करते, हमारे अंदर हृदय में पूरा वो उतरता नहीं है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी भारत माता विश्वगुरु के पर के ऊपर तभी आरूढ़ हो सकती है जब हम सच्चे अर्थ में ये मकर संक्रांति का उत्सव मनाएंगे। और वो अर्थ क्या है? तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, संक्रमण, प्रगति, उत्थान। यही करने के लिए आज का यह उत्सव हम मना रहे हैं, और तभी ये सार्थक होगा जब ये भावना लेकर के आज हम आज से कार्य करना शुरू कर दें। धन्यवाद।